उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके गोकुलपुर में अभी भी हालात समान होने लगे हैं। यहाँ के मेन बाजार में ज्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं और लोग अब शांति चाहते हैं। हालांकि इन सब के बीच इस इलाके में अभी भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। टोटल न्यूज संवाददाता कुलदीप शर्मा ने गोकुलपुर इलाके के ताजा हालातों पर जायजा लिया और यहाँ पर रहने वाले लोगों से खास बातचीत की। दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं। हम आपको दिल्ली के उन अलग अलग इलाकों का आज हाल बता रहे हैं जो दंगों में प्रभावित हुए। इस वक्त हम दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में मौजूद हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां की जो सुबह है एक नई उम्मीद लेकर आई है, एक नया सवेरा लेकर आई है। अब यहाँ पर आप ये जो रोड देख रहे हैं ये गोकुलपुर का मेन रोड है जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं। यहाँ का मेन मार्केट भी आप इसको कह सकते हैं। मार्केट में अब ज़्यादातर दुकानें खुल चुकी है, हालांकि इक्का दुक्का दुकानें जो है वो अभी भी बंद है। लेकिन अब जो तस्वीर यहाँ से मिल रही है वो तस्वीर राहत देने वाली है और ये इस तस्वीर का इंतज़ार हर किसी दिल्ली वालों को था कि दंगों के बाद एक ऐसी तस्वीर जल्द से जल्द देखने को मिले और ऐसी तस्वीर अब दिल्ली के अलग अलग दंगा प्रभावित इलाकों से दिखनी शुरू हो गई है। आप यहां पर लोगों की आवाजाही देख सकते हैं, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर भी घर से बाहर निकल रहे हैं। मार्केट्स में जो रौनक है वो लौटनी शुरू हो गई है, ग्राहक जो है वो धीरे धीरे मार्केट में आने शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर अभी भी भारी सुरक्षा बल तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उधर जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए हैं, बाकायदा पूरे इलाके पर वो निगरानी कर रहे हैं, पैनी नज़र है। और इधर भी आप देखेंगे ठीक मेरे बगल में दिल्ली पुलिस के जवान भी किसी भी हालात से निपटने के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। दरअसल बेशक हालात सामान्य हो रहे हो लेकिन अगर कोई माहौल को खराब करने की कोशिश करे, अगर कोई यहाँ फिर से शांति को भंग करने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए ही ये सुरक्षा के बंदोबस्त इस वक्त यहाँ पर किए गए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उधर चलते हैं उन लोगों से पूछते हैं कि आज उनके इलाके में हालात कैसे हैं। देखिए इधर अभी भी जो हिंसा के निशान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आगजनी जो की गई थी यहाँ पर, लगातार दो दिन तक हिंसा हुई थी, उसके निशान जो है अभी भी आप सड़कों पर बिखरे देख सकते हैं। दुकानें जली हुई है, दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। लेकिन इस बीच आप यहाँ ये भी देखेंगे कि सुरक्षा बल यहाँ पर हालात खराब ना हो, फिर से दंगे जैसी कोई स्थिति ना बने, उसके लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। कुछ लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछेंगे। इधर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, इस वक्त आपके इलाके में हालात कैसे? हालात अब ठीक है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है बिल्कुल। ये तस्वीर कितने दिन बाद हमको देखने के लिए मिली है, इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं? डेली बैठते हैं, डेली यहाँ पे दिल्ली में नहीं बैठ पा रहे होंगे क्योंकि दो दिन लगातार हिंसा हुई थी। हाँ हाँ, तो दो दिन के लिए नहीं बैठे, नहीं तो अब ठीक है, माहौल ठीक है, बहुत बढ़िया है, अब शांति है इलाके में, बहुत बढ़िया है। क्या क्या चाहते हैं अब आप लोग? अरे जो हम चाहते हैं वो मिल रहा, शांति, अब कोई दिक्कत नहीं बेटा। बस शांति तो है लेकिन मनों में अभी जो है डर है। हाँ मनों में, आप चलने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे जवान जो है वो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी बैठते हैं यहाँ डेली। हाँ हम तैयार है, बैठे हर तरीके से। वैसी कोई बात नहीं है, शांति है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ सही है, अब कोई ऐसी बात नहीं, दो दिन उठा इसके बाद। तारीख के बाद तो कुछ नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम तो बाबूजी सोमवार में बैठे, फिर शुक्र में आए, चार पाँच दिन एबसेंट रहे, चार पाँच दिन तक माहौल खराब रहा। देखिए सोमवार को लोग आखिरी बार इस तरीके से बैठे थे एक साथ और तीन चार दिन लोग इस तरीके से घर से बाहर नहीं निकल पाए, एक दूसरे का हालचाल नहीं जान पाए। लेकिन अब देखिए, अब लोग एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, इससे भी एक तरीके से भरोसा बनेगा इलाके में भी और आप लोगों को देख के दूसरे लोगों का भी हौसला हिम्मत बढ़ेगी कि अब चीज़ें ठीक हो रही है। जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, पर हमको देख बहुत ही बुरा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, किसी विशेष कारणों से हुआ होगा, विशेष कारण सबको मालूम है क्या है, सभी सोच लेते हैं क्या है। आपका तो ये मुझे लगता है कि मेन बाजार है इस इलाके का, गोकुलपुर का, लग रहा है ज्यादातर दुकानें खुल चुकी है? हाँ सब दुकानें खुल चुकी, शांत है माहौल, अच्छा है, शांति होगी। कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली वाले इस तस्वीर का
इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से। लोग चाह रहे थे कि शांति की ऐसी तस्वीरें, आम जनजीवन की ऐसी तस्वीरें जल्द से जल्द मिले। आपके इलाके से तस्वीर मिल रही है, शांति चाह रहे थे, शांति हो गई, अच्छी बात है बस। तो बिल्कुल ये यहाँ के लोकल्स है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब इलाके में पूरी तरीके से शांति है, हालात सामान्य है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस लौट रही शांति को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए भी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल के जवान पूरी तरीके से हिंसाग्रस्त प्रभावित इलाकों में तैनात है। कैमरामैन शूरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।